इंदौर में कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिस प्रकार से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया, वहीं उसके उलट जो इंदौर के निजी अस्पताल हैं उन्होंने यहां पे पूरे इंदौर में कोरोना के नाम पे लूट मचा रखी है। हम बात करें एप्पल हॉस्पिटल की, तो एप्पल हॉस्पिटल जो है उस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करी। जो पीड़ित व्यक्ति था उन्होंने जिला प्रशासन को शिकायत की थी कि उससे कोरोना के नाम के नाम पर काफ़ी लाखों रुपये ऐठे गए। जब इंदौर के जिला कलेक्टर ने वहां पे टीम भेजी और उस दौरान टीम ने जांच की तो उसमें काफ़ी तथ्य चौंकाने वाले उनको मिले, क्योंकि उसमें 21 दिनों के 63,000 रुपये पीपी किट के नाम के ही जोड़े गए। उसके बाद बात करें कोरोना की जांच के, तो उस जांच में भी उन्होंने काफ़ी रुपये व्यक्तियों से ऐठे। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन ने जब पूरी जांच की, जांच के बाद उनको नोटिस दिया है 3 दिन में जवाब देने का। वहीं इस कार्रवाई के बाद इंदौर के जितने निजी अस्पताल हैं वो भी सकते में आ गए हैं। उन्होंने भी अब यहाँ पर कोशिश की है कि जितने लोग कोरोना के पेशेंट वहाँ पे एडमिट है उनको अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें और उनका जो इलाज है वो रियायती दरों पे की जाए। क्योंकि इंदौर में जिस वक्त ये कार्रवाई हुई उसके बाद इंदौर जिला कलेक्टर के पास अन्य अस्पतालों के जो पीड़ित लोग हैं वो भी मिलने पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे अपने आवेदन दिए हैं, जिसको इंदौर जिला कलेक्टर ने जाँच में लिया है। हम बात करें इंदौर के निजी अस्पतालों की, तो इस वक्त इंदौर के निजी अस्पताल कोरोना के नाम पे लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। काफ़ी शिकायतों के बाद जब शुरुआत हुई थी इंदौर में कोरोना की लॉकडाउन के दौरान, इंदौर में गोकुलदास अस्पताल पे इंदौर के जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी। उसके बाद अब ये जो एप्पल अस्पताल है, जो एप्पल हॉस्पिटल भंवरकुआं क्षेत्र में आता है, वहाँ पे जिला प्रशासन ने भी अभी फ़िलहाल में कार्रवाई की है और उसकी जांच फ़िलहाल जारी है। अब धीरे धीरे जितने भी निजी अस्पताल हैं वो भी इसी कड़ी में जुड़ते जा रहे हैं। इंदौर का जो जिला प्रशासन है वो कोविड-19 को लेके काफ़ी सतर्क है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण इंदौर में फैला है और उसके नाम पर अस्पतालों ने जिस प्रकार से लूट मचाई है, उसी को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन अब काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।